हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे। अनीता देसी स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी करेले। करेले मैंने दो से तीन मैंने करेले ले लिए। ये छोटे छोटे मैंने इसके पीस कर लिए हैं, काट लिए हैं, और ये फिर मैंने नमक में डाल के रख दिए थे। उसके बाद मैंने नमक में डाल के रख दिए थे। उसके बाद ये मैंने धो लिए हैं। धो के अब इसको हम बनाएंगे। आइए कैसे बनाते। मैंने यहाँ पे गैस जला दिया। गैस जला कर मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, एक चम्मच से कम मैंने तेल डाल दिया है। अब हमारा तेल हो चुका है और अब हम इसमें हम सबसे पहले करेले डालेंगे। इसमें हम करेले सारे डाल देंगे। उसके बाद हम इनको ऐसे चलाएंगे। ऐसे इनको हम धीरे धीरे चलाएंगे। दो से चार पाँच दिन के इनको ऐसे ही हम पकाएंगे। तेल में ही इनको हम फ्राई करते रहेंगे ताकि ये पकना रहे। दोस्तों करेले बहुत अच्छे रहते हैं सेहत के लिए, क्योंकि ताकि जिसके शुगर होता है उससे तो इसमें करेले इनका जूस पीना बहुत ही सेहतमंद होता है, और करेले भी खाने बहुत इससे फ़ायदेमंद होता है। अब इनको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे और इसमें फिर इसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल लेंगे हल्का सा, ताकि ये जल्दी से पक जाए। अब इसको हम ऐसे चलाएंगे। अब हम इसको चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने दो से तीन प्याज मैंने ले ली थी, ये मैंने काट ली थी। उसके बाद मैं प्याज ऐड कर रही हूँ इसमें। ये सारी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैंने तीन हरी मिर्च लिए, हरी मिर्च डाल रही हूँ। दो से तीन चार कली मैंने लहसुन के लिए ये डाल दिए। इसको हम डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम इनको चलाएँगे। इनको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको ऐसे ही पकने देंगे दो से तीन मिनट। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे, मैंने आधी कटोरी वो लिया था बेसन, ये मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको चला देंगे। इसके बाद हींग आधी चम्मच, इसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर आधी चम्मच से कम, आधी चम्मच सूखा धनिया, और नमक बस कम ही डालेंगे, ताकि हमने डाल दिया था इसलिए हम थोड़ा सा ही डालेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसको हम एक मिनट दो मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं अब हमारे करेले बनने वाले हैं। उसके बाद हमने ये सब चीज पका दी है। उसके बाद हम डालेंगे सौंफ। सौंफ मैंने एक चम्मच सौंफ लिए, इसको हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ से बहुत अच्छा स्वाद आता है, खुशबू भी अच्छी आती है। उसके बाद मैंने एक नींबू लिया था, एक नींबू का रस हम तैयार कर रहे हैं और इसको हम अच्छे तरह से चलाएंगे। आप
खटा आमचूर भी डाल सकते हैं इसमें, सूखी आम भी डाल सकते हैं। मेरे पास नींबू था, मैंने नींबू डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप, अब हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। दोस्तों आप भी ऐसी बनाएं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, आप खाएं, बच्चे भी बहुत चटके लगा कर खाएंगे। आप भी बना के इसको खाएं, लंच में ले जाएं। और ये अब हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल सूखी है। और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम उतार देंगे, गैस बंद कर देंगे। अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।